जलाने का मामला सामने आया है। घटना शहर के चक्की चौराहा क्षेत्र की है। युवक का नाम सोनू बताया जा रहा है, जो बेल्डिंग का काम करता था। नवरात्र का पांचवा दिन मां की आराधना में लीन रहे श्रद्धालु। वह जग से बेमिसाल सखी, मां शेरों वाली कमाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं। नवरात्रि के पांचवे दिन माता दुर्गा के पांचवे स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के पांचवे स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। वहीं स्कंद का अर्थ है कुमार कार्तिकेय, यानी माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय। मान्यता है कि इनकी उपासना करने से भक्त की इच्छाएं पूरी हो जाती है। माता के इस स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय के कारण मिला है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। अपने इस स्वरूप में माँ के दोनों हाथों में कमल के पुष्प होते हैं और हाथों में वह कुमार कार्तिकेय को गोद में लिए रहती है। इनके मनोहर छवि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। जैसे जैसे नवरात्र के दिन बढ़ते जा रहे हैं, भक्तों की भीड़ पंडालों में बढ़ती ही जा रही है। राजधानी भोपाल के कुम्हारपुरा से निकाली गई भवचंद्री यात्रा, भक्तों का उमड़ा रहा सैलाब। ये वहाँ यात्रा का तीसरा वर्ष है और ये तीसरे वर्ष के अंदर कुमारपुरा, यादवपुरा, पुरानी विधानसभा के सामने, कात्यानी पीठ के पीछे के सभी धर्मालु श्रद्धालु लोग माता बहनें मिलकर इस चुनरी यात्रा का आयोजन करते हैं और आने वाले वर्षों के अंदर हम लोग इसको और भव्य और आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में NSUI लीगल सेल की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आचार संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश की लीगल सेल की आज बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के माध्यम से हम सभी लॉ के जो स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेज के पदाधिकारी हैं, उनको विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ यहाँ पे सौंपेंगे और ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पे कांग्रेस को, NSUI को मजबूती से काम करना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, इस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्तागण भी शामिल होंगे, कांग्रेस के IT सेल के भी हमारे नेता शामिल होंगे, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। वहीं राजधानी भोपाल के GB मॉल में पहुंचे फिल्मी अभिनेत्री मुग्धा गौड़से, जहाँ उन्होंने मैक्सी स्टोर पर दिवाली ऑफर लॉन्च किया। साथ ही फैशन शो में बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट हुई शामिल। आज आप जैसे देख रहे हैं मैक्स के दिवाली धमाका हम लॉन्च करने आए हैं। नया कलेक्शन है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं। आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ्स, आई शॉप्ड अ लॉट, तो मैं आपको अर्ज करूँगी आइए और शॉपिंग कीजिए। ग्वालियर में रोटरी क्लब द्वारा कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए चलित कैंसर परीक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्योतिराज सिंधिया रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर चुनाव संबंधी तैयारियों का लेंगे जायजा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां रीवा, ढिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद और सतना के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। ग्वालियर में बेकाबू कार ने शीतला माता के दर्शन करने जा रहे लोगों को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगाने का किया प्रयास। अब तक की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ अब तक, आपकी बात हमारे साथ। नमस्कार।